हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में क्या खेल चल रहा है। अखिलेश यादव जी एक मंदिर में जाते हैं तो उस मंदिर का शुद्धिकरण किया जाता है। अब बात कर रहे हैं ओबीसी की, यहाँ आकर के बात कर रहे हैं अति पिछड़ों की, बात कर रहे हैं भीमराव अंबेडकर की, बात कर रहे हैं आरक्षण की, और उस बिहार उत्तर प्रदेश में जहां बुलडोजर राज है उस उत्तर प्रदेश के अंदर आज अगर एक सबसे बड़े ओबीसी के वहां नेता अगर मंदिर चले जाते हैं उस मंदिर को धो दिया जा रहा है। तो अखिलेश जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो लोग अभी मंदिर को धो रहे हैं जनता इस चुनाव में उनको वोट से धो करके रख देगी। आज के इस नामांकन सभा में उपस्थित सभी साथियों को इनकलाबी सलाम पेश करता हूं। जय भीम लाल सलाम। तो चुनाव के 3 चरण पूरे हो गए हैं। एक तरह से कहिए तो पूरे देश में आधे से ज्यादा सीटों पर चुनाव हो चुका है और योगेंद्र जी ने बिल्कुल साफ आपके सामने बताया कि 3 चरण के चुनाव से बहुत स्पष्ट संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है, बहुत तेजी से गिर रहा है। और इसके लिए अगर किसी को कोई संकेत चाहिए, किसी को कोई सबूत चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के भाषणों को सुनिए तो आपको पता चल जाएगा। वो जो कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, मोदी जी हर भाषण में उस कहावत का चरितार्थ कर रहे हैं और अनाप शनाप बोल रहे हैं इस देश के प्रधानमंत्री जी समय। तो हमारे सामने अब बिल्कुल स्थिति साफ, संविधान को बचाने की बात है, लोकतंत्र को बचाने की बात है, किसान के हक हासिल करने की बात है, नौजवानों के रोजगार पाने की बात है। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए इस समय सबसे पहला सवाल है, सरकार को बदलने वाला चुनाव है और सरकार बदल देना है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 10 साल से जो मोदी जी की सरकार सत्ता में है, हमने तो सोचा था कि इस चुनाव में मोदी जी हिसाब देंगे। 2014 में बड़ी बड़ी बात करके आए थे, 19 में जब लोगों ने सोचा कि 14 से 19 के बीच का हिसाब ले लिया जाए, तब तक पुलवामा कांड हो गया, पूरे देश में एक भावना थी, लोगों ने 19 में फिर मोदी जी को मौका दे दिया और तब मोदी जी कहना शुरू किए कि 2022 में जब आजादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे, जब अमृत काल शुरू हो जाएगा तो 2022 तक किसान की आमदनी दुगुनी कर देंगे, सबको पक्का मकान मिल जाएगा, 24 घंटा बिजली मिलेगी, शौचालय होगा, नल जल होगा, सब कुछ की गारंटी कर रहे थे, 100 स्मार्ट सिटी बन जाएंगे, हिंदुस्तान में बड़े बड़े विश्वविद्यालय ऐसे बनेंगे जो वर्ल्ड क्लास होगा, तमाम बातें हैं। तो हमने तो सोचा था कि 24 के चुनाव में अब वो हिसाब मांगा जाएगा कि 22 में आपने जो कहा था वो कहाँ गया। तो मोदी जी बड़े तेज हैं, तो उन्होंने तुरंत अभी गोल पोस्ट को आगे करके 2047 कर दिया कि 2047 तक विकसित भारत बनेगा। तो लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी 24 में 47 के नाम पर वोट नहीं मिलने वाला है, 14 से 24 तक आपने क्या किया है उसके हिसाब किताब उसके बल पर होगा। और अब मोदी जी जो कर रहे हैं, जब उनको पता चल गया कि इस देश के किसान इस चुनाव में बिल्कुल अपनी मांगों को लेकर के वो डरे एकदम बिल्कुल अड़ीग हैं, डटे हुए हैं, इस देश के नौजवान आपके मुद्दों पर डटे हुए हैं, तो मोदी जी ने अब शुरू कर दिया जिसको योगेंद्र जी ने बताया कि हिंदू मुस्लिम का खेल। मैं तो हैरान हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री कल भाषण में उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि अगर ये इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हिंदुस्तान की जो क्रिकेट टीम है उस क्रिकेट टीम में भी हिंदू मुस्लिम के आधार पर क्रिकेट का टीम बनेगा। आप बताइए, अब क्रिकेट के टीम में जो हमारा टीम जो वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम होती है उसमें हिंदू मुस्लिम प्लेयर एक साथ साथ जमाने से हमेशा जब जब हिंदुस्तान ने अच्छा प्रदर्शन किया आपने देखा उसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख का सवाल नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लेकर के इंडिया की टीम बनती है वहां भी जाकर के हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। तो ये जो मोदी जी ने शुरू कर दिया है इन्होंने, तो आज देश के अंदर बिल्कुल स्थिति साफ, ये घबराए हुए हैं और इसीलिए लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं।
तीन दिन से बोल रहे हैं कि आरक्षण को लेकर के कि ये लोग आएंगे तो आरक्षण छीन करके मुस्लिम को दे देंगे। मैं तो नीतीश जी से कहूंगा कि नीतीश जी ये तो आपकी पसंद है, जिस समय मोदी जी आ रहे थे 2014 में सत्ता में, तब नीतीश जी ने सोचा था कि भाई हमने तो अटल जी और अडवाणी जी के साथ काम किया, लेकिन ये मोदी जी के साथ रह करके हम अपना स्वाभिमान नहीं बेच सकते हैं। तो उस समय नीतीश जी अलग हुए थे और आज वो तो मोदी जी के आने का समय था, आज जब मोदी जी का जाने का समय हो गया तो पता नहीं नीतीश जी को क्या सुझाव, फिर नीतीश जी मोदी जी के साथ हो गए। तो अब हो गए तो ठीक है, लेकिन कम से कम उनको ये तो बताइए कि इस बिहार के अंदर आप कहते हैं कि हम कर्पूरी जी के शिष्य हैं, कर्पूरी जी के रास्ते पर चलने वाले हैं, तो इस बिहार के अंदर शुरू से कर्पूरी फार्मूला लागू है। पूरे देश में जब से मंडल कमीशन आया तो हमेशा हमेशा ओबीसी के जातियों को आरक्षण मिला, किसी धर्म के आधार पर नहीं, उनके पेशे के आधार पर, उनके सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर। मोदी जी खुद, आप लोगों ने भी देखा होगा 2022 में मोदी जी खुद इंटरव्यू दे रहे थे एएनआई को और बता रहे थे कि गुजरात में 70 मुस्लिम जातियां हैं जिन जातियों को हमने ओबीसी का दर्जा दे रखा है, और आज बिहार में आकर के पूरे देश में घूम घूम करके आरक्षण के सवाल पर भी आप हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। संविधान आज आप कह रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर भी आ जाएंगे तो संविधान खत्म नहीं होगा, तो बाबा साहब अंबेडकर संविधान बनाने वाले वो खत्म करने के लिए क्यों आएंगे? खत्म करने के लिए आने वाले कोई है? वो तो आपके गुरु गोलवलकर हैं। अगर आप भरोसा दिलाना चाहते हैं कि संविधान सुरक्षित रहेगा तो कहिए कि गुरु गोलवलकर भी अगर आ जाएंगे तब भी संविधान खत्म नहीं होगा, बाबा साहब का नाम मत लीजिए। लेकिन संविधान खत्म करने की बात ये सिर्फ इस चुनाव में नहीं उठ रही है, चुनाव में तो लगातार भाजपा के नेता बता रहे हैं कि 400 पार का नारा मोदी जी ने बड़ा सोच समझ कर दिया है ताकि हम संविधान को, अभी जो धीरे धीरे कर रहे थे एक एक करके बदल रहे थे, तो थोक भाव से संविधान को हम बदल देना चाहते हैं। और ये बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सिर्फ अभी चुनाव के समय नहीं हो रही है, जिस समय अटल जी प्रधानमंत्री थे उस समय भी संविधान की समीक्षा के लिए आयोग बना दिया गया था, और अभी जब आजादी के 75 साल पूरे हो रहे थे उस मौके पर मोदी जी के जो प्रधान आर्थिक सलाहकार है उन्होंने बाकायदा अखबार में लेख लिख दिया कि 75 साल बाद अब संविधान पुराना पड़ गया है, हिंदुस्तान में जैसे नई संसद की इमारत है बिल्कुल वैसे ही नया संविधान चाहिए, ऐसा संविधान चाहिए जिस संविधान से मोदी जी जैसे नेता के हाथ मजबूत हो, अदानी अंबानी जैसे हिंदुस्तान के बड़े सरमायेदार बड़े पूंजीपति उनके हाथ मजबूत हो, और इस तरीके के संविधान का वकालत कर रहा है। तो आज ये संविधान बचाने वाला चुनाव है, बिल्कुल सही कहा साथियों ने, ये चुनाव नौजवानों के रोजगार का, और इसलिए हम लोगों ने कहा कि इंडिया की सरकार बनेगी तो जितने खाली पद पड़े हुए हैं बिहार के लिए भी हम लोगों ने वादा किया था और वो काम शुरू हुआ था, और देश के लिए भी बिल्कुल वादा है कि 30 लाख रिक्त पदों को तत्काल भरा जाएगा और पूरे देश में कम से कम 1 करोड़ सरकारी नौकरी में नौजवानों की नियुक्ति होगी। ये जो अग्निवीर योजना है जिसके तहत हमारे नौजवान 20 साल 22 साल की उम्र में 4 साल सेना में बिताने के बाद घर वापस आ रहे हैं, जिस समय वो सोचते हैं कि हमें पक्की नौकरी मिलेगी, सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, तो उनको 22 साल की उम्र में सेना से रिटायर करा के घर वापस भेज दिया जा रहा है। ये अग्निवीर योजना बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। ये जो धड़ल्ले से निजीकरण हो रहा है, ये निजीकरण और ठेकाकरण, आरक्षण की बहस क्यों हो रही है? आरक्षण की बहस इसलिए हो रही है कि बड़े तरीके से मोदी जी ने कहने के लिए आरक्षण है, लेकिन जब चारों तरफ निजीकरण होगा, जब ठेकाकरण दिहाड़ी में लोग काम करेंगे, ठेके पर काम करेंगे, तब आरक्षण का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और इसलिए हम लोगों ने कहा है
ये जो अंधाधुंध निजीकरण है और ठेकाकरण है, इस पर बिल्कुल रोक लगेगी। जो हमारे देश के किसान लड़ रहे हैं कि हमें आपने स्वामीनाथन जी को आपने दे दिया भारत रत्न, आपने चरण सिंह को भी भारत रत्न दे दिया, किसानों के बड़े नेता, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री, लेकिन आपने जो इस देश के किसानों की मांग है, आज स्वामीनाथन अगर घर घर में, किसान के हर परिवार में लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है स्वामीनाथन आयोग के बारे में, इसलिए जानता है कि स्वामीनाथन जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की खेती को बचाने के लिए, किसानी को बचाने के लिए, जो खेती में अभी लागत बढ़ी है उससे 1.5 गुना तमाम फसल की कीमत सभी किसानों को मिलनी चाहिए। और इसलिए हम लोगों ने तो साफ साफ ये कह दिया है कि इंडिया की सरकार बनेगी और हिंदुस्तान में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक तमाम फसलों के लिए किसानों को वो जो कहा गया था कि 1.5 गुना लागत से 1.5 गुनी कीमत वो तय कर दी जाएगी। खेती में लगने वाली जो चीजें हैं, खेती में जो लागत है, उसमें लागत बढ़ने के पीछे एक कारण ये भी है कि उसके ऊपर GST का भी बोलबाला है, वो GST की मार खत्म किया जाएगा। और जो कर्जा मुक्ति की मांग है पूरे देश के किसानों की, तो एक आयोग बने ताकि किसानों को व्यवस्थित तरीके से किसान के ऊपर जो कर्ज का बोझ है वो बोझ खत्म किया जाए, उसको कम किया जाए। जो हिंदुस्तान में एक तरफा ढंग से पूंजीपतियों को छूट दी जा रही है और देश के किसानों के ऊपर कर्ज का बोझ थोपा जा रहा है, इस अन्याय का, इसको खत्म किया जाएगा। ये सवाल आरक्षण की बात आप करते हैं, आप डराते हैं लोगों को कि OBC का कोटा कम करके मुस्लिम दे दिया जाएगा। आरक्षण की बहस वहां नहीं है। बिहार ने जो काम किया जाति आधारित जनगणना के बाद, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के बाद, बिहार ने आरक्षण का विस्तार किया और 75% आरक्षण का फॉर्मूला बिहार से तय हुआ है। सवाल इस पर, मोदी जी अगर कुछ कहना है तो कहिए कि इस देश के अंदर जाति आधारित जनगणना कब होगी और इस देश के जाति के भागीदारी के आधार पर कब ये आरक्षण का विस्तार किया जाएगा, ये आज देश के अंदर सवाल है। और इसीलिए बहस को इधर उधर करने की कोशिश मत कीजिए। तो साथियों, ये जो चुनाव है बिहार के अंदर, हमें याद है कि 2019 में वो अस्वाभाविक चुनाव था पूरे देश के लिए, बिहार के लिए भी था, और उस अस्वाभाविक चुनाव में एक तरफा NDA की जीत हुई थी। लेकिन जैसे ही 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ, हम सबको याद है, लोकसभा के चुनाव के 1.5 साल के अंदर, उस कठिन समय में, कोरोना काल में, जब हमारे प्रवासी मजदूर साथी हजारों किलोमीटर पैदल चल के घर आए थे, उस कठिन दौर में जब चुनाव हुआ और हमने जब महागठबंधन बनाया, पहली बार भाकपा माले और बिहार के अंदर और लाल झंडे की पार्टियां और साथ ही साथ राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी, ये तमाम लाल और हरा झंडा और तिरंगा झंडे की जब एकता बनी, तो हमने देखा बिहार किस तरह से बदल गया। और आप सबको याद है, आज काराकाट की अगर हम बात करेंगे तो लोकसभा में जो 6 विधानसभा है, 6 में तमाम एक हर विधानसभा से महागठबंधन की जीत हुई थी। अगर हम आरा की बात करेंगे तो आरा में बस कुछ वोटों से हम लोग आरा विधानसभा हार गए थे और बड़हरा की सीट हार गए थे, शेष 5 सीट महागठबंधन के हाथ में है। अगर हम बात करेंगे पाटलिपुत्रा, वह लगभग तमाम सीटें महागठबंधन के हाथ में है। तो करीब करीब 2020 के चुनाव में बिहार में लगभग सरकार बन चुकी थी और इस बार आज जो महागठबंधन है, नीतीश जी भले ही वापस चले गए लेकिन भाई मुकेश सहनी जी आ गए इस तरह। और ये जो महागठबंधन इस समय इंडिया गठबंधन बिहार के अंदर है, हम 2020 में गाड़ी हमारी जहां तक पहुंची थी, इससे गाड़ी आगे बढ़ेगी, ये पीछे नहीं जाएगी। और इसीलिए पूरे, जिस तरह से योगेंद्र जी ने कहा कि पूरे देश में BJP पीछे जा रही है, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से चौंकाने वाला परिणाम आएगा तो उत्तर प्रदेश से अगर चौंकाने वाला परिणाम आएगा तो बिहार से भी बिल्कुल वैसे ही चौंकाने वाला परिणाम आएगा। और बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर
ये काराकाट, ये सासाराम, ये इलाका, ये बिल्कुल बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा। इधर की हवा उधर और उधर की हवा भी इस तरफ, और दोनों बिहार यूपी मिल करके हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में क्या खेल चल रहा है। अखिलेश यादव जी एक मंदिर में जाते हैं तो उस मंदिर का शुद्धिकरण किया जाता है। अब बात कर रहे हैं ओबीसी की, यहाँ आकर के बात कर रहे हैं अति पिछड़ों की, बात कर रहे हैं भीमराव अंबेडकर की, बात कर रहे हैं आरक्षण की, और उस बिहार उत्तर प्रदेश में जहां बुलडोजर राज है उस उत्तर प्रदेश के अंदर आज अगर एक सबसे बड़े ओबीसी के वहां नेता अगर मंदिर चले जाते हैं उस मंदिर को धो दिया जा रहा है। तो अखिलेश जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो लोग अभी मंदिर को धो रहे हैं जनता इस चुनाव में उनको वोट से धो करके रख देगी। और हम समझते हैं कि ये बदला इस बार लेना है, ये बदला इस चुनाव में हमें लेना है। इस देश की आधी आबादी, मोदी जी 2014 में जब आए थे नारा था बहुत हुआ नारी परिवार, अब की बार मोदी सरकार, और आज हम क्या देख रहे हैं कि मोदी सरकार खुद नारी पर वार कर रही है। और किसी एक प्रदेश की कोई एक घटना नहीं है। अभी कर्नाटक की चर्चा कर रहे थे योगेंद्र जी, आप लोगों को मालूम होगा हिंदी के अखबारों में बहुत कम छप रहा है लेकिन सोशल मीडिया में कुछ चर्चा है। उस कर्नाटका में प्रज्वल रेवन्ना जनता दल सेकुलर के सांसद थे हसन सीट से, इस बार भी उम्मीदवार थे। मोदी जी ने वोट मांगा उनके लिए कि इनको आप वोट दीजिए, इनको वोट मिलने पर हमारा हाथ मजबूत होगा, मोदी सरकार मजबूत होगी। और उनके बारे में जब रिपोर्ट आई वहां एसआईटी गठित हुआ है, उनके पिताजी की गिरफ्तारी हुई है कि कम से कम 3000 के आसपास वीडियो है। लगातार एक ऐसा तंत्र निर्माण किया गया था कि महिलाओं के ऊपर सैकड़ों की संख्या में महिलाओं के ऊपर लगातार अत्याचार किया गया, उनके ऊपर उनके साथ यौन हिंसा की गई। और ये पूरे देश को दुनिया के पैमाने पर, अभी हम देख रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार में खबर छपी है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जो इस तरीके से मैस रेपिस्ट ऐसे नेताओं का संरक्षण देते हैं, तो आज पूरे देश के बारे में किस तरह से छवि पूरी दुनिया में बन गई। मणिपुर एक साल से चल रहा है और महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हुआ और मोदी जी को जाने की फुर्सत नहीं मिली। उनके अपने क्षेत्र में बनारस में आईआईटी में बीएचयू में वहां के छात्रा के साथ कैंपस के अंदर सामूहिक बलात्कार होता है, उसका वीडियो बनाया जाता है और पता चलता है कि ये दुष्कर्म करने वाले वो सारे के सारे वो भाजपा के आईटी सेल के नौजवान होते हैं। इसीलिए सवाल तो किसानों का है, सवाल नौजवानों का है, सवाल संविधान का है, और मैं समझता हूं कि उतना ही जबरदस्त सवाल इस बार पूरे देश की आधी आबादी के ओर से भी है। महिलाओं के सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके हक के लिए भी इस चुनाव में इस मोदी सरकार को गद्दी से बेदखल करना ही होगा, ये हिंदुस्तान की मांग है इस चुनाव में। बस इतनी ही बात करते हुए आपसे अपील करेंगे, 1 तारीख अभी थोड़ा समय है, 1 तारीख को चुनाव है, वो आखिरी चरण का चुनाव होगा। और इस बार हम देख रहे हैं जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है मोदी जी की घबराहट उनकी बौखलाहट वो बढ़ रही है और जनता का संकल्प ये मजबूत हो रहा है। हम सब लोग ये बात समझ रहे हैं कि मोदी सरकार का ताबूत वो तैयार हो गया है और हर एक सीट से एक एक सीट से एक एक कील ठोक देना है उस ताबूत पर, और काराकाट के मतदाता भी बिल्कुल एक मजबूत कील ठोक देंगे उस ताबूत पर और मोदी सरकार को इस चुनाव में सत्ता से बेदखल करके जो इस देश में इस देश के आजादी के आंदोलन से जो उम्मीद जगी थी, इस देश के संविधान से जो उम्मीद जगी थी, पिछले 75 साल के लोकतंत्र में जो गरीबों को किसानों को नौजवानों को और अधिकार मिलेगा, दलितों को पिछड़ों को आदिवासियों को और ज्यादा अधिकार मिलेगा सम्मान मिलेगा, ये जो संभावना बनी थी, ये जो उम्मीद जगी थी, उस संभावना को साकार करने के लिए, उस उम्मीद को पूरा करने के लिए आज संविधान पर जो हमले हो रहे हैं, ये मनुस्मृति के लोग, ये पूरे संघ परिवार के लोग जो आज नहीं जिस समय संविधान पारित हुआ उसी दौर से संविधान के विरोध में है,
उसी समय से बोल रहे हैं कि ये संविधान मंजूर नहीं है, ये संविधान विदेशी है, ये बाहरी है। बाबा साहब के संविधान को अंग्रेजों का संविधान बताने की हिम्मत करने वाले इन लोगों के खिलाफ इस चुनाव में जबरदस्त देश खड़ा हुआ है और पूरे देश के किसान, नौजवान, मजदूर, गरीब, महिलाएं, दलित, शोषित, वंचित, बहुजन समाज, इस देश के आदिवासी, इस देश के तमाम प्रगतिशील सोच रखने वाले लोग, हम लोग एक साथ मिल करके ये जो इंडिया गठबंधन बना, ये इंडिया गठबंधन उन तमाम विचारों का गठबंधन है जिन विचारों के चलते हिंदुस्तान को आज़ादी मिली थी। आज़ादी के आंदोलन में देश में जितने मजबूत विचार थे देश के जनता के अधिकार के लिए, वो इस देश के अंदर भगत सिंह के विचार की बात करें, अशफाकुल्ला के विचार की बात करें, वामपंथी विचारधारा की बात करें, नेहरू गांधी के विचारधारा की बात करें, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा, पेरियार की विचारधारा की बात करें, लोहिया के विचारधारा की बात करें, इस देश के अंदर आज़ादी के आंदोलन में तमाम जो जन पक्षधर आज़ाद हिंदुस्तान के लिए ज़रूरी विचार थे उन तमाम विचारों का गठबंधन है उस एक विचार के खिलाफ, वो जो नफरत का विचार है, वो जो मनुस्मृति वाला विचार है, जिस मनुस्मृति का दहन करके 1927 में अम्बेडकर ने अपनी यात्रा शुरू की थी, इस देश के अंदर उस फांसीवादी विचार को मिटाने के लिए हम लोग एक हुए हैं। पूरे बिहार के तमाम सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को भारी से भारी मत देकर के आप विजयी बनाएंगे। काराकाट से साथी राजाराम जी को विजयी बना करके भाकपा माले की ताकत को भी मजबूत करेंगे, इंडिया गठबंधन की ताकत को मजबूत करेंगे और इस बात की गारंटी करेंगे कि संसद के अंदर किसानों की आवाज गूंजेगी, अन्याय के खिलाफ मजबूत आवाज होगी, इस देश के अंदर नीतियां बनेंगी, बदलेंगी और ऐसी नीतियां बने जो नीति किसानों के पक्ष में हो, मेहनत कशों के पक्ष में हो, कॉर्पोरेट कब्जे के खिलाफ हो। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।